नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, बीएड सेकंड ईयर का पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग वो हम कर रहे थे। उसमें हमने मेजरमेंट को देखा था, मापन को देखा था, साथ साथ एनपीसी का भी हमने कवर कर चुके हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मूल्यांकन की, मतलब इवेल्युएशन की। ठीक है, इवेल्युएशन क्या है, इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, एजुकेशन में इवेल्युएशन क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो जो भी दोस्त नए हैं चैनल से जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ज्यादा समय लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, मूल्यांकन, हमने मेजरमेंट पढ़ा, मापन पढ़ा। मापन हमने क्या पढ़ा था, अगर हम एक लाइन में कहना चाहें कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन, कोई भी एक्टिविटी कि किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को कुछ निश्चित शब्दों में, सिंबल्स में या यूनिट्स में अगर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं तो वो हमारा मेजरमेंट कहलाता है। अब बात आती है मूल्यांकन किसे कहते हैं, इवेल्युएशन करना किसे कहते हैं। एक लाइन में आपका इसका आंसर है, और वो आंसर है आपका कि मेजरमेंट के साथ साथ अगर हम एनालिसिस भी कर दें तो वो आपका हो जाता है इवेल्युएशन। सबसे सिंपल आपका तरीका है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ठीक है, इसी तरह से हम लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर लेकर आते रहते हैं। आपके लाइक करने से हमें पता चलता रहता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है कि नहीं हो रही है, इसलिए लाइक कर जरूर बताते रहिए। तो आपका इवेल्युएशन क्या हुआ, मेजरमेंट प्लस एनालिसिस, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, कैरेक्टरिस्टिक्स का, किसी भी ऑब्जेक्ट, पर्सन या एक्टिविटी की जब हम किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करते हैं, मेजर करने के बाद अगर हम उसका एनालिसिस कर दे, विश्लेषण कर दे, तब हम उसको कहते हैं इवेल्युएशन। यानी कि इवेल्युएशन आपका वो प्रोसेस हुआ जिसमें मेजरमेंट के साथ साथ, मेजरमेंट के बाद हम एनालिसिस भी करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी जेम्सम ब्रेडफील्ड ने दी थी, आप पढ़ सकते हैं। नॉर्मल अगर इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन की बात करें तो ये रही आपके सामने, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, गतिविधि के किसी भी गुण के मापन से प्राप्त परिणाम, यानी कि हमने मेजरमेंट कर लिया सबसे पहले, और मेजरमेंट के बाद जो भी रिजल्ट हमें मिला अगर हम उसकी विश्लेषण कर सके, उसकी व्याख्या कर सके कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक मानकों पर, मानदंडों के आधार पर, ठीक है, तब हम उसको क्या कहते हैं, इवेल्युएशन कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि हमने मिल्क लिया, दूध लिया, हमने उसको मेजर कर लिया, उसकी वॉल्यूम को देख लिया, हमें पता लग गया ये 2 लीटर है, 3 लीटर है, 4 लीटर है, ये तो क्या मेजरमेंट। अब ये पता लगाने के बाद, हमारा रिजल्ट आने के बाद अगर हम उसको एनालाइज करें, उसकी व्याख्या करें कि ये कम है कि ज़्यादा है, ये कैसा है, किस तरह का है, हम कहें 1 लीटर दूध है ये तो बहुत ज़्यादा कम है, हर बार से कम है, डेली हम 2 लीटर लाते हैं, आज 1 लीटर आया है तो ये कम है, या डेली हम 2 लीटर लाते हैं आज 3 लीटर आया है तो ये बहुत ज़्यादा आ गया है, अगर हम उस चीज़ की इस तरह से एनालाइज कर दे तो वो आपका होता है इवेल्युएशन, हमने उसका मूल्यांकन कर लिया। अगर हम एजुकेशन के फील्ड में देखें, कोई बच्चा है उसका हमने टेस्ट लिया, ठीक है, उसका हमने टेस्ट लेने के बाद इंटेलिजेंसी टेस्ट की मान लिया, हमने इंटेलिजेंस टेस्ट करके ये पता लगाया गया कि जो इसकी इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो मीडियम लेवल की है, हाई लेवल की है, नॉर्मल लेवल की है, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट के बारे में बाद अगर हम उसको एक्सप्लेन कर दे कि क्लास में ये इतने नंबर पर है, इसकी जो बुद्धि है वो हाई लेवल की है तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, इसकी से कम इतने बच्चे हैं, इससे ज़्यादा इतने बच्चे हैं, अगर हम उसको पूरी तरह से एनालाइज कर दें, व्याख्या कर दिए, तो वही हमारा इवेल्युएशन माना जाता है। ये तो आपको छोटा सा एग्जांपल दिया था ताकि आप समझ में आ सके, आपको डेफिनेशन आप देख सकते हैं। तो ये रहा आपका डायग्राम, आप डायग्राम से आराम से समझ सकते हैं। अगर आपका ये कंप्लीट जो वो था इवेल्युएशन है, तो इवेल्युएशन के का एक पार्ट है आपका मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट क्या है आपका, इवेल्युएशन का एक पार्ट। जब हम इवेल्युएशन करते हैं तो सबसे पहले हम मेजरमेंट करेंगे, और मेजरमेंट से जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो वो आपका हो जाता है मेजरमेंट। तो उम्मीद है मेजरमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ इवेल्युएशन। अब हमने आपको बताया कि इवेल्युएशन जब हम कर रहे हैं तो पहले मेजरमेंट करेंगे, तो फैक्टर्स में भी पहले आप फैक्टर ऑफ मेजरमेंट लिखेंगे, यानी कि जो भी मापन के कारक है वो इवेल्युएशन के ऑटोमेटिक हो गए, क्योंकि इवेल्युएशन जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेजरमेंट के फैक्टर्स अपने आप आएंगे। तो सबसे पहले तो आपके चारों के चारों मेजरमेंट के फैक्टर आ गए, यानी कि वो व्यक्ति हो गया जिसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, टूल और डिवाइसेस हो गए, और जो पर्सन है जो उसको माप रहा है वो खुद हो गया। उसके साथ साथ आपका जो हम एनालाइज कर रहे हैं रिजल्ट को, उसके भी कुछ फैक्टर आएंगे, वो कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं।
नंबर 5 पर है आपका दोज स्टैंडर्ड या नॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट आर एनालाइज्ड, यानी कि वो मानदंड जिनके आधार पर हम हमारा जो रिजल्ट आया है, जो परिणाम आया है, उसको एनालाइज करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं हम, जिस मानदंडों पर हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं वो आपका हुआ। और 6 नंबर पर हुआ दोज डिवाइस विद द यूज ऑफ विच सच एनालाइसिस इज कैरीड आउट, यानी कि वो डिवाइस जिसकी मदद से हम इस तरह का एनालाइज कर रहे हैं, वो डिवाइस लॉजिकल हो सकता है, मैथमेटिकल हो सकता है या स्टैटिस्टिकल हो सकता है। लॉजिकल यानी कि लॉजिक के अकॉर्डिंग हम उसको उसकी एक्सप्लेनेशन कर दें, मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन कर दें, स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग हम उसकी एक्सप्लेनेशन कर दें, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान एक बात ये रखनी है कि कहीं कहीं आपको जहाँ भी बुक में आप देखेंगे तो फैक्टर्स ऑफ इवैल्यूएशन में डायरेक्ट आपको 6 फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर इस तरह से अलग अलग करने का मकसद सिर्फ इसलिए है, ये है कि आप कंफ्यूज ना हो, आराम से आपको समझ में आ जाए। जब आप इवैल्यूएशन करते हैं तो इवैल्यूएशन में आप पहले मेजरमेंट करेंगे फिर एनालिसिस करेंगे, तो जो मेजरमेंट का प्रोसेस होगा वो तो आपका सेम आएगा ही आएगा, उसके बाद एनालिसिस का जो प्रोसेस है वो आपका ऐड हो जाएगा। तो ये आपकी इच्छा है, आप एग्जाम में या नोट्स में जो भी आप बना रहे हैं आप कैसे लिखना चाहते हैं। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो भी कोई गलती नहीं है, और आप डायरेक्ट आप 6 पॉइंट करके लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने बिल्कुल सिंपल वे में बता दिया कि फैक्टर ऑफ इवैल्यूएशन का अगर हम बात करें तो सबसे पहले फैक्टर ऑफ मेजरमेंट आएंगे और प्लस करके फैक्टर ऑफ एनालिसिस आएंगे। जैसे आप लिखना चाहें, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप लिख सकते हैं। ये सिर्फ इस मकसद से लिखे गए थे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको अलग अलग बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि ये फैक्टर मेजरमेंट के हैं, ये एनालिसिस के हैं। आगे चलते हैं स्टेप्स एवेल्यूएशन इन एजुकेशन, शिक्षा में मूल्यांकन के पद। पदों को भी, स्टेप्स को भी हमने इसी तरह से डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आप मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट के स्टेप्स को फॉलो करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसके बाद एनालिसिस के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो मेजरमेंट के स्टेप्स आपके वो 4 हैं ही जो आपने मेजरमेंट में पढ़े थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को आप इंजॉय कर रहे हैं, वीडियो आपको यूजफुल लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला आपका स्टेप हो जाता है कि मापन के लक्ष्यों को, उद्देश्यों को हम परिभाषित करते हैं। उसके बाद हम टूल्स का सिलेक्शन करते हैं कि कौन से टूल, कौन सा मेथड का हम यूज़ करें, ठीक है। और उन टूल्स और मेथड का जो प्रशासन है उसका यूज़ करते हैं, और लास्ट में परिणाम रिकॉर्ड कर देते हैं। अब जो परिणाम आया उसका एनालाइज करना है, तो एनालाइज के आपके स्टेप्स ये रहे। 5th स्टेप आपका होगा माप परिणामों का विश्लेषण, यानी कि एनालिसिस ऑफ मेजरमेंट रिजल्ट, मापन का जो परिणाम आया उसका हम एनालाइज करते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। 6 नंबर पर करते हैं प्रेडिक्शन, सजेशन एंड गाइडेंस ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। जो भी हमने विश्लेषण किया उसके आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, अपना कोई सुझाव देना हो वो दे सकते हैं, कोई गाइडेंस देनी हो वो दे सकते हैं। हमने कोई बच्चा है उसके इंटेलिजेंस को मेजर किया, मेजरमेंट किया, जो भी रिजल्ट आया उसके उससे उसको एक्सप्लेन कर दिया, एनालाइज कर दिया। एनालाइज के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको अपनी तरफ से गाइडेंस दे सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर ये बनेगा या ये बनेगा। अगर कुछ कमी है तो हम उसको गाइडेंस दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। और लास्ट में कंटिन्यूस टेस्टिंग ऑफ डिसीजन, यानी कि आपने जो भी डिसीजन लिया, जो भी निर्णय लिया, उसका कंटिन्यूसली आप उसको टेस्ट करते रहें कि क्या आपका डिसीजन सही है कि नहीं है। तो ये आपको हुआ इवेल्यूएशन, मेजरमेंट प्लस एनालिसिस इज इक्वल्स टू इवेल्यूएशन। ये आप एक लाइन याद कर लीजिए, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका एग्जाम में कुछ ही आ जाए। अगर अब आपको इनके में डिफरेंस भी लिखना होगा ना तो वो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको डिफरेंस भी आपको लिखना होगा तो आप बिल्कुल आसानी से लिख देंगे। दोस्तों इन सभी के जो भी नोट्स हैं वो आपको स्पर्श क्लासेस के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे। आप नॉर्मल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर आप स्पर्श क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और उस पर आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब्जेक्ट वाइज बीएड के कॉलम में आपको सब्जेक्ट वाइज सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे जो अभी तक वीडियोज अपलोड हुई है। आगे जो वीडियोज अपलोड होती जा रही हैं या जो लेटेस्ट वीडियो है, हर वीकेंड पर हम नए नोट्स को उस पर अपलोड करते हैं, उस पर अपडेट करते हैं। आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहेंगे जैसे ही कोई ना कोई नया नोट्स अपलोड उस पर होगा। हर वीकेंड पर हम नए नोट्स अपलोड करते हैं। अब ये चल रही है आपकी जो क्वेश्चंस हैं, जो वीडियोस चल रहे हैं, इनके वीडियोस के भी जो नोट्स हैं वो आपको हर वीकेंड मिल जाएंगे। अगर अभी इस एप्लीकेशन पे इसके नोट्स नहीं है तो आपको वीकेंड पर देखने को मिल जाएंगे, उसको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप स्पर्श क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आप उससे रिलेटेड अपने रिव्यू दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर की जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में।